नमस्कार, वंदे भारत। भारत तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरे देश ने भारत के जज्बे को देखा, भारत के जुनून को देखा। कर्तव्य पथ पर निकली झांकियां पूरी दुनिया को कहानी बता रही थी कि कैसे भारत सबसे अलग है। और इस बीच हम आपको BSF की उस टुकड़ी के बारे में बताएंगे जिसने कर्तव्य पथ पर दम भरा। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक जरूरी बात, बिस्तक पर 1 फरवरी को बजट कवरेज होने वाला है, इसमें आप जरूर जुड़िएगा। क्या इनकम टैक्स की धारा 80C की सीमा बढ़ाई जाएगी, नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स रेट बदला जाएंगे, आप अपनी राय हाँ या ना में दर्ज करवा सकते हैं प्रोबो पर, जो हमारे ओपिनियन पार्टनर हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आगे बढ़ेंगे और बात उस टुकड़ी की करेंगे जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ जब BSF के इस दल में महिलाएं शामिल हुई। ऊंट को चलाती हुई, दौड़ाती हुई कर्तव्य पथ पर ये महिला ब्रिगेड नजर आ रही थी। पहली बार था जब ऊंट सवार महिला दस्ता गणतंत्र दिवस परेड में ऊंट के साथ हिस्सा लेती हुई नजर आई। इस मार्च में 12 महिलाएं गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से जुड़ी। खास तौर पर डिजाइन की गई औपचारिक वर्दी में ये नजर आई थी, जिसमें भारत के कई शिल्पकला की झलक देखी गई। जानकारी के लिए बता दें कि BSF का प्रसिद्ध ऊंट सवार दस्ता 1976 से गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा है। हालांकि इस साल पहली बार BSF की पहली महिला टुकड़ी अपने पुरुषों समकक्षों के साथ शाही पोशाक में नजर आई थी। यानी ये पहला मौका था जब ऊंट सवार पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी लगातार कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रही थी, जिसमें खास देखने लायक जो नजर आ रहा था वो उनकी यूनिफॉर्म थी और ऊंट पर सीना तान कर बैठी ये महिलाएं जो लगातार आगे बढ़ रही थी। कदम ताल चलते हुए जिस तरीके से पूरा बेड़ा आगे बढ़ रहा था वो दिखाने और दर्शाने के लिए काफी है कि कैसे भारत आगे बढ़ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे BSF की महिला टुकड़ी ऊंट की शाही सवारी कर रही हैं। प्रसिद्ध डिजाइनर राघवेंद्र राठौड़ ने BSF के महिला ऊंट दस्ते के लिए इस पोशाक को डिजाइन किया है। यूं तो गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होना किसी भी सैनिक का सपना होता है और वो कोशिश यही करता है कि उसे वो एक मौका जरूर मिले। फिलहाल ये मौका उन तमाम लोगों को मिला जो कर्तव्य पथ पर लगातार बढ़ते हुए नजर आए थे, जिसमें से एक दस्ता ये भी था। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।